अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर हब। तो हम आज स्टेप इंडेक्स पे बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं और देखते हैं कि क्या हमारे एनालिसिस काम करते हैं, क्या हमारी जो प्राइस एक्शंस हैं वो काम करती हैं या नहीं। चलो देखते हैं, ये ट्रेड हम ले चुके हैं, ट्रेड हमने ले ली हैं। और एक और बात जहन नशीन कर लें, ये जस्ट आपके लिए है, वीडियो पर्पज़ है। आप ऐसा कभी ना कीजिएगा, ऐसी बड़ी ट्रेड आप कभी ना लीजिएगा, इतना हाईली रिस्क आप कभी ना लीजिएगा, क्योंकि मैंने कन्फर्म ट्रेड ली है। मुझे पता है ये डेरिव का क्या सीन होता है, डेरिव कैसे हमें ये पागल बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। तो जैसा कि यार ये ट्रेड तो लगी हैं लेकिन लॉस में जा रही हैं, कोई नहीं ये प्रॉफिट में भी जाएंगी लेकिन लॉस में क्यों जा रही हैं, कि अभी वो स्टेप इंडेक्स नहीं चाह रहा कि मैं प्रॉफिट लूँ। ये थोड़ा बहुत मुझे पागल बनाएगा, फ्लैक्चुएट करेगा, यहाँ जानबूझ के ना मुझे थोड़ा सा लॉस में लेके जाएगा, कि हो सकता है ये बंदा ना जो ट्रेड्स लगाई है ना क्लोज कर दें। यहाँ मैं लाइनें लगा लेता हूँ, यहाँ ये यहाँ तक ये ना आ सकता है, ठीक है। एक और लगा लेता हूँ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ इसने ना वो पिछली जो कैंडल्स का ना उसका जो हाई लो बनाया हुआ था, इस वजह से मैंने लगाई। और यहाँ तक ना मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ये आएगा। आप ज़रूर ग्राफ में आज की डेट में ज़रूर देखिएगा ग्राफ में कि क्या ये वहाँ तक आ रहा है जो जो मैंने लाइनें नीचे लगाई हैं। मुझे लग रहा है कि इसने नीचे आना है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है ये यही बोल रहा है। चलो यार ये तो लॉस में जा रही हैं, मेरी इक्विटी भी थोड़ी है, लेकिन आपने इतना हाईली रिस्क नहीं लेना, मेरी ट्रेड कन्फर्म है। लेकिन क्या है कि मार्केट मुझे थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट कर रही है, थोड़ा बहुत मेरा माइंड सेटअप चेंज कर रही है कि हो सकता है ये बंदा ट्रेड क्लोज कर दे, लेकिन मैंने नहीं करनी। ये देखो रिजेक्शंस हो रही है ऊपर से, और जैसा कि मैंने ये निशान थोड़ा सा नीचे लगा दिया था ये लाइन, लेकिन ऊपर लगनी थी। ये क्या हुआ कि मार्केट इसके हाफ तक गई है जो पिछली कैंडल के, और ये लॉस भी मेरा कम हो रहा है, ठीक है। 20% पे, 23 पे लॉस चल रहा है मेरा, ठीक है। आपने इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेना। ये 95 लॉस से 100 लॉस से ये वापस आ रही है मेरी ट्रेड्स, क्योंकि मेरी ट्रेड कन्फर्म थी, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट फ्लक्चुएट हुई, जानबूझ के ऊपर नीचे हुई, कि ये बंदा ना ट्रेड क्लोज कर दे, इसको मैंने प्रॉफिट नहीं देना, ठीक है। ये सीन है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा हमारे जो मैंने जो एनालिसिस लगाए हैं, जो मैंने अपना टीपी सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये ट्रेंड बन रहा है, अब क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, ट्रेंड तो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा ऊपर गई, अब इसने क्या होना है, नीचे आना है, ठीक है। हमारी जो ट्रेड थी वो कन्फर्म थी, एक्यूरेट ट्रेड लगाई थी मैंने, और यकीन माने ये 95 पे भी गया था, लेकिन एकदम मैं भी परेशान हो गया कि यार ये तो गलत हो रहा है, ट्रेंड को क्यों फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन ये ट्रेंड को फॉलो करते हैं हम जो ट्रेंड लगाते हैं ये उनको नहीं फॉलो करती, ये अपने ट्रेंड को फॉलो करती है। हमारी प्राइस एक्शन पे ये ज़्यादा फोकस नहीं करती, ये अपनी खुद की प्राइस एक्शन पे करती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वही ट्रेड है जो अब मतलब प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई है, क्योंकि ये ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है। इसने वो सब कुछ ट्रेंड जो लाइनें ड्रॉ मतलब मैंने पीछे की थी वो कंप्लीट होने वाली हैं। अब ये सेल निकलेगा, और जहाँ तक मैंने वाइट लाइन नीचे तक लगाई थी ना, वहाँ तक ये सेल जाएगा और ज़रूर जाएगा। आप भी आज की डेट में 4 नवंबर, 5 नवंबर की डेट पे ज़रूर देखिएगा क्या क्या ये नीचे तक जाता है, ये जा रहा है या नहीं, ठीक है, ज़रूर देखिएगा। और चलो जी ये भी ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि ये H1 पे हमने देख रहे हैं, H1 पे ये यहाँ तक आएगा, ये नीचे जो एंड पे मैंने वाइट लाइन लगाई है ना, यहाँ तक भी आएगा और नीचे भी आएगा। ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट 32, 27, 40 ये चल रहा है मेरा, ठीक है, चल रहा है मेरा आपके सामने प्रॉफिट। तो ये देख रहे हैं कि ये ऊपर जाने की कोशिश अभी भी कोशिश में लगा हुआ है कि मैं ऊपर जाऊं क्यों ना, ये बंदा ट्रेड हो सकता है क्लोज ही कर दे। इसके माइंड में यही होता है, हो सकता है ये क्लोज कर देगा, हो सकता है। लेकिन आप अगर रिस्क कन्फर्म रिस्क लेते भी हैं ना, तो आपने क्लोज़ नहीं करनी। मेरा 95 पर लॉस चला गया था डॉलर पे, इक्विटी भी थोड़ी रह गई थी, लेकिन मैंने क्लोज नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये ट्रेंड वाइज चल रहा है, ट्रेंड को कंप्लीट करेगा। और जब भी आप ट्रेड लेते हैं ना, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, तो ये क्या करते हैं डेरिव वाले, लॉस में ले जाते हैं आपकी ट्रेड, और इतना लॉस लेके चले जाते हैं कि आप समझते हैं कि लो जी मेरा अकाउंट वॉश होने वाला है या वॉश हो गया। अगर आपकी ट्रेड कन्फर्म लगी है तो आप कभी भी क्लोज ना करें, कभी भी क्लोज ना करें। अगर आपने सोच समझ के एनालिसिस लगा के ट्रेड ली है ना, तो आप कभी भी क्लोज ना करें, ठीक है, क्योंकि ये आपको पागल बना रही होती है, आपको ये माइंड चेंज कर रही होती है कि यार ये बंदा ना क्लोज कर दे बस किसी तरह। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि डेरिव नहीं चाह रहा होता कि मैं आपको प्रॉफिट दूं या आपका प्रॉफिट हो, ये कभी नहीं चाहता, ठीक है। ये इसके टर्म्स होते हैं, ये कभी भी आपको 1 रुपया दे के नहीं रहती। और ये नीचे तक आ सकता है, आप मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ आपको दिखाने के लिए ना,
ये सारी कैंडल मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली है और ये किस बिना पे मैंने ये ट्रेड यहाँ एंट्री घुसा दी है, ठीक है। क्योंकि मेरी एंट्री बन रही थी, एग्जैक्ट एंट्री बन रही थी, तो मैंने ट्रेड लगा दी, हाई रिस्क लिया लेकिन काम आ गया। हाई रिस्क भी वो इसलिए लिया मैंने हाई रिस्क क्योंकि मुझे पता था, एक तो कंफर्म कन्फर्मेशन मिल रही थी, दूसरा ये कि एक ये बहुत ज़बरदस्त चार्ट्स बना रहा था, एक पैटर्न बना रहा था, तो मैंने उसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए ये ट्रेड ली है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या पैटर्न है, ये कैंडल्स क्या बोलती हैं। अब ये लाइनें ज़रा देखिएगा, ये जो पिछला इसने हाई लो बनाया है ना, एक लाइन तो मैंने वहाँ लगा दी, क्योंकि ये दरमियान वाली ये देख रहे हैं ये कैंडल छोटी बनी हुई है, यहाँ से रिजेक्शन हुई है और ये क्या बन गया डोजी। उसके बाद क्या हुआ है कि बड़ी कैंडल बनी है बाय की, ठीक है, बाय की कैंडल बनी है। तो आगे यहाँ ये इस कैंडल को भी देखिएगा कि ये M15 पे चार्ट ओपन है, M15 पे पहले रिजेक्शन हुई है, ऊपर से रिजेक्शन लगी है, तो अगली कैंडल जो बनी है ना वो विदाउट विक के बनी है, मतलब स्ट्रॉन्गर सेलर थे तो वो क्या हुआ विदाउट विक के बन गई। यार ज़बरदस्त हो गया, हमारा प्रॉफिट में जा रही है ट्रेड, वही ट्रेड जो $95 का लॉस कह रही थी अब ये प्रॉफिट में जा रही है। चलो ये तो और ज़बरदस्त हो गया, लेकिन हम भी अपना मार्जिन सेट कर लेते हैं कि 120 तक तो प्रॉफिट लेना ही लेना है इससे, क्योंकि हम एक ट्रेंड वाइज चल रहे हैं, ट्रेंड वाइज ट्रेड हैं। अब ये ऐसे ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, ये वाला ट्रेंड है, ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर यहाँ से गया, अब ये नीचे आएगा। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर यही ग्राफ ढूंढने की कोशिश कीजिएगा स्टेप इंडेक्स पे 5 नवंबर की डेट में, कि क्या ये मैंने सही एनालिसिस लगाए, क्या ये वही बना रहा है ये ग्राफ। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और देखिएगा इस प्राइस पे, यही प्राइस आप नोट कर लीजिएगा और आप इस ग्राफ को ढूंढने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये हमारा जो होगा ये टीपी रख लेते हैं यहाँ तक ना, आएगा सही, लेकिन जाना इसने नीचे है, यहाँ क्या करेगा थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होगा, फिर थोड़ा सा 2-3 कैंडल बनाएगा बाय की मुझे दिखाने के लिए कि यार ये तो ट्रेंड बाय का चला गया, लेकिन हमने प्रॉफिट अपना पूरा लेना है। तो माशाल्लाह अब तुम्हारा प्रॉफिट अभी 66 के लगभग हो चुका है और अब ये देख रहे हैं आपके ये अब सेल ही हो रहा है। पहले इसने मुझे बड़ा पागल बनाया कि यार बस हो जाए बंदा क्लोज कर दे, लेकिन हमने भी नहीं की, ठीक है। तो आगे हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ये जरा चीज़ देखिएगा कि पिछले हाई से क्या हुआ, पिछले हाई लो के बराबर ही ना इसने 2 कैंडल बना दी है बाय की, डोजी बनाई है मतलब छोटी बाई बनाई है। इसका ये मतलब बनता है कि ये मैं एक ये साफ कर देता हूँ, आपको सही नज़र आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको, ये ज़रा गौर कीजिएगा इस जगह पे, ये अब बिल्कुल इसी जगह पे इसने क्यों मोमेंट दी है, जैसा कि पिछला हाई यहाँ भी, अब जो नीचे वाले निशान पे भी ऐसे ही मोमेंट देगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा फिर थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ऐसे आएगा फिर थोड़ा सा यहाँ भी एक थोड़ा फ्लैक्चुएट होगा और नीचे आके भी फ्लैक्चुएट होगा। यहाँ 50-50 चांसेस हैं बाय भी जा सकता है, लेकिन जो अगर कैंडल्स इसके अपोजिट बनी तो ये सेल होगा, अदरवाइज ये बाय निकलेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यार, काम आएगा। अच्छा अब एक और बात, जो मैंने ऊपर निशान लगाया ये ज़रा गौर कीजिएगा कि बिल्कुल अपोजिट पे ना मार्केट फ्लैक्चुएट हो रही है, 47.90 गुड, ये हमारा प्रॉफिट जा रहा है, ज़बरदस्त प्रॉफिट जा रहा है हमारा। अच्छा स्क्रीन शॉट यार इसलिए लेता हूँ कि यार काम आ जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब बना लेता है कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह। तो अच्छा एक और देखते हैं हम यहाँ, और भी बताते हैं आपको यार, वाह ज़बरदस्त हो गया, ये नीचे निकलेगा और नीचे निकलेगा यार, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, ज़्यादा इसको लॉन्ग में लेके जाऊंगा, वो इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रेंड कंप्लीट हो रहा है, ट्रेंड के बिना पे ये चल रहा है। अब यहाँ नीचे वाली लाइन जो लगाई है ना, यहाँ भी आके ना थोड़ा सा ये मोमेंट मारेगा, और ये जो दरमियान में कैंडल्स बना रही है ना, ये हमें अथेंटिक कह रही हैं बाय नहीं जाना, सेल जाना है, सेल जाना है। और जो नीचे वाले जो मैंने निशान लगाए हैं ना, यहाँ क्या हुआ रिजेक्शन हुई है और कैंडल क्या बनी है छोटी बनी है, जहाँ छोटी कैंडल बने और ज़्यादा रिजेक्शन हो वहाँ 50-50 मामलात होते हैं। ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि वहाँ 50-50 चांसेस हो जाते हैं, जहाँ कैंडल की जो प्राइसेस हो वो कम हो और विक ज़्यादा हो, मतलब डोजी टाइप की जो कैंडल बनती है ना, ये उसी के हिसाब से मतलब फिर आगे मार्केट मूवमेंट करती है। तो हम इन कैंडल को भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, कैंडल के बारे में भी हम मुकम्मल डिटेल से आपको बताएंगे कि ये कैंडल क्या करती हैं, कैंडल का क्या मतलब होता है। जैसे मैं कैंडल को देख के ट्रेड लेता हूं, ऐसे मैं भी आपको बताऊंगा। अरे ये चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, ये वाली ये क्या हुआ कि पहले से बाय गया है, पिछला जो कैंडल का ना इसके दरमियान तक गया, इसके हाई लो तक पहुंचा है ये कैंडल, इसने भी अपनी फुल कोशिश की बाय निकलने की, और एक दो वजह से ये बाय निकलता है,
एक तो ये कि मैंने सेल की ट्रेड ली थी तब बाय निकला है, कि थोड़ा सा मैं कस्टमर को पागल बनाऊं, हो सकता है ये ट्रेड क्लोज कर दे, और दूसरा इस वजह से निकलता है कि ये ट्रेंड भी कंप्लीट करता है। और फिर क्या हुआ, रिजेक्शन लग गए, ऊपर से दबाव पड़ा ना, रिजेक्शन आ गई। अगली कैंडल जो M15 पे बनी है, M30 पे बनी है, तो क्या हुआ, उसकी विक नहीं है, विक विदाउट विक के बन गया, मतलब स्ट्रोंगर ज़्यादा था, दबाव ज़्यादा था सेलर का, तो क्या हुआ, बस सेल हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं प्राइस सेक्शन, इनको ग्राफ को समझने का तरीका। अगर आपको ग्राफ समझ आना शुरू हो गया तो यकीन माने आप प्रॉफिट में हैं, का लॉस कभी हो ही ना आपका। ठीक है, और एक और चीज़ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ भी ना, यहाँ तक मतलब हम टीपी सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पहले कंफर्म करना है कि क्या यहाँ तक टीपी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे निकलेगा, आप भी ज़रूर आज 5 नवंबर को ज़रूर देखिएगा इस ग्राफ को, क्या वाकई नीचे निकलता है, और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि हाँ जी ये निकला है नीचे, इसी तरह हुआ है जिस तरह मैंने ये प्राइस एक्शन लगा दिए या जो एनालिसिस लगा दिए। अब ये जो कैंडल मैंने ये एरो लगा रहा हूँ ना, ये भी इम्पोर्टेंट कैंडल है हमारे लिए, और ये भी हमें कुछ बहुत कुछ बता रही है ग्राफ में कि यहाँ ये हो सकता है, यहाँ वो हो सकता है, ये सब कुछ हमें पीट रही है कि यहाँ से भाई आप सेल करो बाय ना करो। कैंडल तो हमें बता देती है लेकिन डेरिव नहीं बताता। डेरिव की तो कोशिश यही होती है कि आप 1 रुपया भी मुझसे ना लें, तो आप डेरिव की ना माना करें, डेरिव के रोल पे ना चला करें, आप कैंडल के रोल पे चला करें। डेरिव का रोल यही होता है कि अगर आप सेल की ट्रेड ली है तो ये एक कैंडल बाय की बनाएगा ही बनाएगा, अगर आपकी इक्विटी ज़्यादा है या कम है लेकिन इसने एक कैंडल आपके अपोजिट बनानी है। और ये डिसीजन में होता है कि यही सोच रहा था डेरिव कि हो सकता है ये बंदा क्लोज करते, हो सकता है ये बंदा क्लोज कर दे, और जब थक हार के वो देखता है ना कि जब बंदा क्लोज नहीं कर रहा, तब ये फिर आपके मतलब साथ चलना शुरू हो जाता है, साथ ऐसे कि आपको प्रॉफिट में फिर लेके जाना इसकी मजबूरी बन जाती है, आपको फिर प्रॉफिट में लेके जाता है। तो ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ भी मैं एक लगा देता हूँ एरो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला एरिया ना, यहाँ भी इसने मार्केट बहुत जगह ना पुश हुई है, और इसी जगह इसने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा हुआ है। ठीक है, ऊपर देखिएगा कि बिल्कुल ऊपर निकली हुई, लेकिन यहाँ टाइम लगाया हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी तो आगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, इतना प्रॉफिट बहुत है यार मेरे लिए, तो ज़्यादा चाहूँगा अल्लाह।